हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी मिठाई जो झटपट से बन जाएगी। और किस चीज़ से बनी है कोई भी नहीं बता सकता, तो ये बहुत ही रसीली होती है, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे बनाया। तो यहाँ पे हमने 4-5 रोटी ले ली है फ्रेंड। तो यहाँ पे रोटी हमने दिन की ली है, आप चाहें तो बिल्कुल फ्रेश ले सकते हैं या दिन की ले सकते हैं। तो आप जो है इसे ऑयल अच्छे से हमने यहाँ पे गरम कर लिया है और इसे एक एक रोटी को डालते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। तो आप चाहें तो डालडा ले सकते हैं, आप चाहें तो देसी घी ले सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के आप कोई भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, और कोई ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं, कोई ज़्यादा आप इसमें घी का कोई यूज़ नहीं, और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो एक एक रोटी को हम ऐसे पलटते पलटते क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करेंगे और एक प्लेट में इसे निकालते जाएंगे। तो देखिए एक रोटी यहाँ पे मेरी तैयार हो गई। ऐसे सारी रोटियों को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और अब इसे ऐसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में यहाँ मिक्सर जार लिया है, इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे इसमें, और एक चम्मच यहाँ पे इलायची पाउडर हमने डाल दिया है और साथ में इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये बहुत फाइन सा पाउडर देखिए यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम एक कप से मेजरमेंट करेंगे। तो हम यहाँ कप लिए हैं, तो कप से हम इसे कर रहे हैं, तो एक कप और थोड़ा सा कम है 2 कप में। तो अब इसका छोटा कप होता है 60 ml वाला कप ये है, तो आप समझ लीजिए 30 ग्राम यहाँ पे हम 30 ml हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया और 30 ml यहाँ पे हमने डेसिकेटेड कोकोनट जो गरी का बुरादा होता है उसको ऐड करके 1 कप कर लिया था पूरा, मतलब 60 ग्राम। तो इसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे। और इसे हमें जब तक मिक्स करना जब तक सारी चीज़ें एक अच्छे से मिक्स ना हो जाए, नहीं तो फिर वो कहीं पे रह जाएगा, कहीं पे नहीं मिक्स होगा। तो इसमें जो है अब यहाँ पे एक पैन में हमने 1 कप शक्कर लिया है, और क्योंकि यहाँ 2 कप के करीब हमारा जो रोटी का पाउडर बन के रेडी हुआ था वो था, तो 1 कप शक्कर लिया है, तो इसका मेजरमेंट बिल्कुल सही था। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं था, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और 1 स्पून यहाँ पे पानी हमने डाल के और इसे क्रिमलाइज किया है। तो थोड़ा सा देखिए इसको फ्लेम को फुल कर देंगे एक बार, तो जलना नहीं चाहिए नहीं तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस जैसे ही ये मेल्ट होता है इसका कलर हल्का सा जैसे ऐसे गोल्डन ब्राउन होता है देखिए यहाँ पे, और फ्लेम को एकदम लो कर दिया है हमने यहाँ पे, और अच्छे से चलाते रहेंगे इसे, पकड़ना नहीं चाहिए। अब जब इसमें हमने 1 कप दूध डालेंगे तो ये अच्छे से जो है देखिए यहाँ पे 1 कप हमने यहाँ पे दूध ले लिया है, जिससे हमने रोटी नाप के लिया था उसी कप से हमने यहाँ पे दूध ले लिया है। तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मेल्ट करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा, इसमें कोई लम्स नहीं रह जाएगा शुगर का। तो जैसे ही शुगर धीरे धीरे जो मेल्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल वो पपड़ी सी चमकाई है वो भी मेल्ट हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 टीस्पून यहाँ पे हमने विनेगर डाल दिया है, तो इससे जो टेक्सचर आएगा बहुत ही टेस्टी और जालीदार हमारी मिठाई बन के तैयार होगी। तो देखिए यहाँ बिल्कुल आपको फटाफटा सा लग रहा है। तो अब इस कंडीशन पे हमें जो पाउडर हमने बना के रेडी किया है रोटी का और मिल्क पाउडर और जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो सब हमने यहाँ ऐड कर देना है और इसे बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, जो मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और देखिए फ्रेंड, जब तक हमें इसे अच्छे से इसको चलाते रहना, जब तक ये आपको लगे नहीं कि हाँ जमने की कंडीशन पे ये हो गया या ये जो है थोड़ा सा ठीक होने लगा, अच्छे से भून चुका है, तब तक आपको चलाते रहना है। और इस बार त्योहार में दिवाली पे आप कुछ चाहे तो आप ये बना सकते हैं, जब भी आपका मन करे बना सकते हैं। मीठा खाने का मन हो तो भी बहुत ही टेस्टी, और बिल्कुल भी कोई नहीं बता सकता कि ये आपने रोटी से बनाया है।
तो आप भी ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे हमने इस तरीके का एक बॉक्स ले लिया है, आपके पास अगर थाली है, प्लेट है, उसमें कर सकते हैं या ऐसे बॉक्स में कर सकते हैं या टीन में, केक टीन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हल्का सा ऑयल से ग्रीस किया बटर पेपर को, और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने थोड़ा सा पिस्ता जो है इसमें क्रश करके डाल दिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने थोड़ा सा दो चार धागे केसर के भी डाल दिए थे, वो स्किप हो गया है। और इसके बाद अब यहाँ पे हमने जो ये बैटर तैयार करके रखा है, इसका जो डो तैयार करके रखा है रोटी का, वो ऐड करते जाएंगे इसमें और अच्छे से इस चूल्हा से इसको प्रेस करते हुए इसको सेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने पूरा सेट कर दिया है और ये अभी अच्छा सा गर्म है, तो इसे आप 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, या आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीजर में मत रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा। 30 मिनट के बाद ये देखिए अच्छे से ठंडा भी हो गया, सेट भी हो गया है और आराम से ये निकल जा रहा है बिना चिपके हुए। तो अभी इसका बटर पेपर निकाल के दिखाते हैं और आप देखने से भी आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा अच्छा और सॉफ्ट बना है और सेट भी बहुत अच्छे से हो गया था। तो देखिए यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं और मेरे काटने से आपको पता चल जाएगा कि कितना सॉफ्ट ये है और बहुत ही जालीदार, बहुत ही जो है मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनके तैयार हुई थी। तो एक बार मेरे कहने से आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए सारे हमने कट कर लिया और इतने जो है चार पांच रोटी में कितना ज़्यादा सा बन गया। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और बिल्कुल भी जो है अभी इसको तोड़ने से आपको इसका टेक्सचर भी पता चल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा जूसी बना था, बहुत ही टेस्टी, मतलब सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप भी बनाकर देखिए, एंजॉय करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इसका हम तोड़ के दिखा रहे हैं आपको टेक्सचर कैसा है इसका। देखिए कितना सॉफ्ट है और अंदर से कितना जालीदार ये दिख रहा है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में, टेस्टी दिख रहा है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।